यूएन में दिन पर दिन बड़ा खेल होता जा रहा है। यहाँ पर सभी सदस्य वीटो देने की मांग कर रहे हैं भारत को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक देश है जो भारत को वीटो मिलने से हमेशा पैर अड़ाता है। भारत के हर काम में टांग अड़ाना जैसे उसका काम बन गया है। भारत जिधर भी आगे बढ़ना चाहता है उधर वो रोड़े अड़ाता है। तो ऐसा एक देश है हमारा पड़ोसी, हमारा ये कहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, ये काम करता है। 5 देशों में से 4 देश भारत को वीटो देने के लिए तैयार हैं, परमानेंट मेंबर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, सिर्फ और सिर्फ एक देश हमेशा टांग अड़ाता है और ये एक देश है चाइना। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि चाइना को यूएन से हटाया जा सके या वीटो इसकी छीनी जा सके? तो आपको मैं बता दूँ क्लियरली कि ऐसा करने के लिए यूएन में कोई भी प्रावधान नहीं है कि चाइना को वीटो से हटाया जा सके। जब ये गठन हुआ था यूएन का, तभी ये प्रस्तावित था कि यूएन में जो भी सदस्य परमानेंट एक बार बन जाएगा उसे हटाया नहीं जाएगा, और इसी का फ़ायदा उठाता है चाइना। अब इसका फ़ायदा चाइना इतनी बुरी तरीके से उठाता है कि जब भी भारत कोई प्रस्ताव लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट मेंबर से अलग कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं जिसमें भारत लगभग बना रहता है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर भारत जब भी कोई प्रस्ताव लेकर जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ हो, या कोई बड़ी परियोजना के खिलाफ हो जिसमें भारत लीड करता हो, तो वहाँ पर चाइना हमेशा रोड़ा डालता है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि यूएन का जो सिस्टम है उसमें 5 देश जो परमानेंट मेंबर हैं 5 की सहमति होना ज़रूरी है। जी हाँ, किसी भी काम के लिए 5 की सहमति होना ज़रूरी है। जब तक 5 के 5 सहमत नहीं होंगे तब तक कोई भी हस्ताक्षर नहीं होंगे। जी हाँ, इसी का फायदा उठाता है चाइना और इसी को कहते हैं वीटो पावर। जी हाँ, वीटो पावर यही होती है कि अगर 5 में से 1 कंट्री भी मना करती है तो ये काम नहीं हो सकता। अब एक तो चीज़ ये है कि 5 कंट्रीज में से तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि निकाल दें, एक तरह से और पॉसिबल है, लेकिन वो भी कैसे। कुल 193 जो कंट्रीज़ हैं उनमें से अगर 192 कंट्रीज़ चाइना को छोड़कर 192 कंट्री अगर चाइना का बायकॉट करें, चाइना के अगेंस्ट आए, तब जाके ये पॉसिबल है। लेकिन ये तब भी पॉसिबल कैसे हो सकता है, चाइना के अपने मित्र हैं, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की आप बात ले सकते हैं, तुर्की की बात ले सकते हैं, अजरबैजान की बात ले सकते हैं जो पूर्णतया चाइनीज़ पे ही डिपेंड करते हैं, तो ये दोस्त ये लोग कैसे चाइना के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसे क्यों नहीं हटा दिया जाता या इसे हटा देना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बता दें कि ऐसा लगभग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएन में जब गठन हुआ था उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि किसी को हटाया जा सके। उसमें मेंबर बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए नहीं जा सकते। मेंबर जो एक बार परमानेंट बन जाएगा वो परमानेंट मेंबर बना रहेगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार मिल गई तो समझिए कि वो पावरफुल हो गया। यही कारण है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को वीटो देने के लिए बात चली हुई थी, काफ़ी सारी बात चली हुई थी परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, लेकिन रसिया नहीं चाहता, ठीक जैसे चाइना नहीं चाहता कि भारत को मेंबरशिप मिले या परमानेंट मेंबरशिप मेंबर बने या वीटो मिले, ठीक उसी तरह रसिया नहीं चाहता। लेकिन हमारा मामला कुछ और है, हम एक अलग देश है, वो एक अलग देश है। उनका कहना ये है रसिया वालों का कि जो यूक्रेन है वो रसिया से ही निकला हुआ है, जैसे हम में से पाकिस्तान निकला हुआ है, ठीक उसी तरह से है। तो यहाँ पर कहना उनका एक अलग चीज़ है, हमारा एक अलग मैटर है। हम हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, हर जगह आगे निकलते जा रहे हैं। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ वीटो मिलने की। वीटो अगर भारत को मिल जाती है तो भारत की जो बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कुछ समस्याएं हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ, अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं कि चाइना को हटाया जाए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यूएन की, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है वीटो पावर की, कि यहाँ पर और वीटो पावर की यही सबसे बड़ी फैसिलिटी भी होती है कि एक बार जो बन गया वो बन गया और उसकी अनुमति के बिना, यानी कि जब तक 5 की अनुमति, 5 की सहमति या जितने भी मेंबर यूएन में बनेंगे परमानेंट मेंबर,
उनकी सहमति नहीं होगी तब तक किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यही कारण है कि चाइना हमेशा से पाकिस्तान का साथ देते आया है, हमेशा से इनडायरेक्टली जो हमारे भारत के अगेंस्ट होते हैं उनका साथ देते आया है, हमेशा से भारत के सामने रोड़े अड़ाता आया है। यही कारण है कि कोई उसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके पास वीटो है। अब आपस में ऐसा भी नहीं हो सकता कि रसिया उस पर अटैक करे या कुछ भी, क्योंकि वीटो से वीटो में ये होता है कि एक देश पे अटैक उन पांचों देशों पे अटैक के बराबर माना जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ पे हैं। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।